नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। हमारे खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा मुद्दा है, बीजेपी ने माथा चूमा, सियासत का सिर घूमा। मुद्दे की ओर बढ़ेंगे, लेकिन देखेंगे ये रिपोर्ट। दक्षिण के रण में इन दिनों ये तस्वीर खूब चर्चा में है। चर्चा सियासी चुम्बन की है। वायरल वीडियो में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी एक मौलाना को पहले माला पहनाते हैं, फिर माथा चूमते हैं। इस सियासी चुम्बन ने दक्षिण के मुख्य मुद्दों को दूर कर दिया है। कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश में है। तो बीजेपी ने कांग्रेस पर वीडियो में छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए FIR करवाई है। विवाद बढ़ा तो कांग्रेस वीडियो में दिख रहे शोएब खान को लेकर सामने आ गई। फोटो तो हमारे ही है, सच्चा है, सही है, गलत नहीं है, लेकिन वो गाल वाल चूमने वाला है वो फेक है। माथा चूमने के बाद एक्सेप्ट मैं करता हूँ, और बाकी मैं हार पहनाया, माला पहनाया, उन्होंने मुझे माला पहनाया, फ़ोटो खींच लिए होंगे, कोई खींचे होंगे, मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि कोई फ़ोटो खींचा कि नहीं खींचा। दक्षिण की लड़ाई में मुद्दों से ज्यादा चुम्बन, गोली, दबा और चूरन गूंज रहा है। राजनेता शाम दाम दंड भेद सबका भरपूर उपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस ने सबसे पहले वीडियो पोस्ट किया तो बीजेपी मामले को लेकर थाने पहुंची, जिसके बाद कांग्रेस और हमलावर हो गई। रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस से डर गई है, जिस पर ब्रजमोहन अग्रवाल ने तगड़ा जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी के मन में क्यों डर समा गया है कि वे आकाश शर्मा को मैदान में उतरने के साथ ही भयग्रस्त दिखाई देने लगे कि आकाश शर्मा का नामांकन निरस्त करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। दूसरा, कानून FIR का सहारा लेने की अब दूसरी कोशिश उनकी दिखाई दे रही है। देखो, अब से इस बात साबित हो गई है कि वो जो वीडियो है वो फैब्रिकेटेड है। AI का उसमें उपयोग किया गया है, और AI का उपयोग कर मौलाना मतलब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस ने उसका दुरुपयोग किया है और कांग्रेस ने डाला है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस मुस्लिमों से प्रेम नहीं करती। दक्षिण का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासत भी उफान पर है। चूरन, दवाई और गोली के जिक्र के बाद अब सियासी चुम्बन दक्षिण के रण में सुर्खियां बटोर रहा है। असल मुद्दों से भटकी सियासत इन बेमतलब के मुद्दों से क्या साबित करना चाहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पूरे मुद्दे पर बंसल न्यूज के सुलगते सवाल भी है, जिनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक नजर सवालों पर। सवाल नंबर एक, क्या बीजेपी प्रत्याशी का एक मौलाना के माथे को चूमना असली मुद्दा है? सुनील सोनी के वायरल वीडियो से क्या कांग्रेस सियासी फायदा उठाना चाहती है? तीसरा सवाल, क्या दक्षिण का रण वायरल वीडियो और सोशल मीडिया के सहारे लड़ा जा रहा है? इन सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारा खास पैनल विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय और उसके बाद चर्चा की शुरुआत। आज के हमारे मेहमान हैं दीपक उज्जवल जी, बीजेपी से प्रवक्ता है अभय नारायण जी, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसी के साथ ही बाबूलाल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, और सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की भी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। चर्चा की शुरुआत बाबूलाल शर्मा जी आपके साथ करना चाहूंगी। सर, कहते हैं कि हर एक पहलू राजनीति में काम करता है, साम दाम दंड भेद, लेकिन जिस हिसाब से हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में ट्रेंड चल रहा है, इसमें और ऐड कर दूं मैं AI पोस्टर, डीपफेक वीडियोज, ये भी अब ट्रेंड कर रहा है और ये भी अब पहलू काम करेगा, इसको लेकर आपका ओपनिंग स्टेटमेंट, ओपनिंग कमेंट चाहूंगी सर। देखिए, प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज माना जाता था, लेकिन अब उसमें राजनीति भी जुड़ गई है। प्रेम, युद्ध और राजनीति में जो है, जो भी कर दो सो जायज माना जाता है। आम दाम दंड भेद जो आपने कहा बिल्कुल सही है। विजय हासिल करनी है, उसका तरीका चाहे कोई भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, कोई भी रक्षा हो, उस रास्ते से जो है पार्टियां जाती है और अपने प्रत्याशी को जिताने का हर संभव प्रयास करती है, चाहे उसमें झूठ बोलना पड़े, क्या मक्कारी करनी पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, वो परिस्थितियां बनाई। और ये आजकल नया पैटर्न शुरू हुआ है, AI जब से आया है तब से नया पैटर्न शुरू हुआ है कि किसी की छवि बिगाड़ने का प्रयास जो है कार्टूनों के माध्यम से किया जाता है। देखिए, इसे पूरे कार्टून वार में आप देखेंगे, एक तरफ जहाँ
आकाश शर्मा के खिलाफ जो माहौल चलाया जा रहा है उसमें ये साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि उनके यहाँ जो है सब कुछ ठीक नहीं, गुटबाजी बहुत तेज है और वो जो है इस तरह से जो जीतने नहीं देंगे वाले कार्टून बन रहे हैं। वैसे ही सोनी जी के बारे में जो बन रहा है वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो है डमी प्रत्याशी है, वो ब्रिजमोहन के डमी है, ये करके बदनाम करने का प्रयास जो है वो पार्टियां कर रही है एक दूसरे के खिलाफ। और ये जो चुंबन वाला जो दृश्य जो है मुस्लिम समाज के मौलाना के ऊपर, ये जो है एआई का कमाल है। और आजकल ये एआई इतना खतरनाक हो गया कि आप असल और झूठ इसमें आप कहीं भी कहीं फर्क नहीं कर सकते, ये सच्चाई है कि वास्तव में जो दिख रहा है वो सही है या नहीं है ये आप कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन जो उसका असर पड़ना होता है, जो दिखा दिया, जो वीडियो वायरल हो गया, उसका जनता पर जो असर पड़ना होता है वो पड़ चुका होता है। फिर आप FIR कराइए चाहे केस लड़िए, तो जो फर्क पड़ गया सो पड़ गया, उसका नुकसान हो गया सो हो गया। भूपेश बघेल को जिस तरह से भ्रष्टाचारी नियुक्त करने के लिए जो सोशल मीडिया पे चला था उसका असर जो है आप देख रही है कि आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। फर्क पड़ता है सर, इस तरह के जब पोस्टर्स जारी किया करते हैं, इस तरह के जब वीडियोस आते हैं तो कहीं ना कहीं असर दिखता है उसका। अभय नारायण जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े। अभय जी, रोज ही हम चर्चा कर रहे हैं और लगभग हमारा विषय यही है उपचुनाव, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आते हैं कहते हैं हमारे पास मुद्दे हैं, हमारे पास युवा चेहरा है। हमें भी खुशी होती है जब मुद्दों की बात करते हैं। जब आपके पास मुद्दे हैं सर, आपके पास युवा चेहरा है, इतना अच्छा आपके पास हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिली है ये उपचुनाव, तो इस तरह के वीडियोस डाल के क्या साबित करना चाह रहे हैं सर? क्या मतलब, क्या कहेंगे आप कुछ? सबसे पहले मैं बाबूलाल भैया को प्रणाम करता हूं और आप सभी को जो हमारे पैनल के साथी बैठे हैं और आप और आपके माध्यम से चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को मैं धनतेरस की बधाई देता हूं। देखिए, मुद्दों की कमी नहीं है दक्षिण के चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी की इस 10 महीने की सरकार के खिलाफ आप जिस मुद्दे पर जाएंगे आप चुनाव लड़ सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा हो, मंत्रियों के नाकामी का मुद्दा हो, बलौदा बाजार, लोहारा डी, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, मुद्दे ही मुद्दे हैं, मुद्दों की कोई दिक्कत नहीं। और जनता बहुत हलाकान है, जनता केंद्र सरकार से भी हलाकान है। ट्रेनों की स्थिति अच्छी नहीं है, प्लेन की स्थिति अच्छी नहीं है, आवागमन के साधन सड़क मार्ग से बहुत महंगे हैं, महंगाई है, दिवाली और धनतेरस में भी लोग चाह कर भी खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं या कर्ज लेकर खरीदारी कर रहे हैं। तो हम जिस मुद्दे पे चाहेंगे चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक वायरल वीडियो का सवाल है, माथा चूमा, ये आपने आज का शीर्षक बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी आज तक वीडियो वायरल करती रही। मुझे याद है विधानसभा के चुनाव में बिलासपुर के सांसद, हमारे बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे बुजुर्गों का सम्मान कर रहे थे, सभी वर्ग के बुजुर्ग बैठे थे, एक मुस्लिम बुजुर्ग के पैर उन्होंने धो लिए, उस वीडियो को बाकी बुजुर्गों से अलग कर सिंगल कर भाजपा ने खूब चलाया। क्यों भाई, क्या आपत्ति थी? अगर 10 बुजुर्गों का हम पैर धो रहे हैं और एक बुजुर्ग उसमें मुस्लिम भी है तो इसी तरह आज जब उनका वीडियो वायरल हुआ है तो वो थाने पहुंच जा रहे हैं। तकलीफ किसको हो रही है? कांग्रेस ने वीडियो वायरल कर जनता को बताया, क्योंकि सामने वाला भी परेशान हो रहा है, हमारी टीम जब उनके पास गई तो कह रहे लोग हमारे पास आते हैं, खुद FIR करने जा रही है। सुनील सोनी को आपत्ति क्यों है? भाजपा को आपत्ति क्यों है? कांग्रेस तो ये बताया कि ये सभी वर्गों के साथ है भाई, ये केवल भाषण में मुस्लिम के खिलाफ बोलते हैं, वैसे गले मिलते हैं, ये केवल मुस्लिमों के खिलाफ पूरे देश में नफरत फैलाते हैं, लेकिन चुनाव आता है तो गले लगाते हैं। हमने तो ये बताया, आपको तकलीफ क्यों हो गई? आपको आपत्ति क्या है? दीपक जी, जवाब चाहूंगी। ठीक है सर, ये जनता से जवाब ले लेते हैं, जनता जवाब लेगी। दीपक जी, सुना आपने अभय जी को, जवाब दीजिए। दीपक जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, आपकी आवाज अभी पहुंच रही है। अभय जी ने जो आरोप लगाया अभी आप पर, जी अस्मिता जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जो सियासत है इतना नीचे गिर चुकी है कि इसकी वानगी कभी देखने को नहीं मिली है।
चुम्बन पे राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, इनको और कोई मुद्दा नहीं मिला। अब अगर हम पिछले 5 साल में जाएंगे और इनके चुम्बनों की बातें करेंगे कि कौन किसका चुम्बन लेता था सीएम हाउस के अंदर, तो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। ये फेक वीडियो का सहारा ले रहे हैं, ये डिबेट का भी एआई का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, अभी आपने टाइमलाइन में बताया, ठीक है अभय जी, मौलाना जी खुद बोल रहे हैं, आप सुन तो लीजिए क्या कहना है। ऐसे बयानों पे आपत्ति है, ऐसे बयानों पे डिबेट नहीं हो सकती। नहीं नहीं, डिबेट हम इस पर करेंगे भी नहीं, मैं मुद्दों पर भी आऊंगी, जल्दी आऊंगी, पर आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट तो ले लूं, फिर मुद्दों पर ही आएंगे हम, मुद्दों की ही बात करते हैं। लेकिन ओपनिंग स्टेटमेंट आपने भी दी तो उनको भी, अभय जी सुन लीजिए प्लीज। ठीक है सर, नहीं तो कुछ भी बोलेंगे क्या? ठीक है सुन लीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, कुछ भी बोलने भी नहीं देंगे। अभय जी थोड़ा सब्र रखिए, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, समय हमारे पास कम रहता है। अभय जी थोड़ा सब्र रखिए, दीपक जी 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए, ओपनिंग स्टेटमेंट आएंगे, आ ही रही हूँ मुद्दों पर। पिताजी उनको माफी मांगे पहले, प्लीज अभय जी हाथ जोड़ कर निवेदन है, अभय जी सुन लीजिए, दीपक जी 30 सेकंड में अपना ओपनिंग स्टेटमेंट। गलत बयानी बिल्कुल नहीं, हम लोग डिबेट करने आते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं। हमने मुद्दों पर ही बात की है, अगर आप मुझे बोलने का आपका समय निकाला, लेकिन आप थोड़ा सा सब्र तो रखिए सर, सुन लीजिए सर प्लीज। आप उनका माइक म्यूट कर दीजिए ना पिताजी, अगर वो डिबेट को ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो डिबेट नहीं हो सकती। ठीक है, आप 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, पहले आपको माफी मांगना पड़ेगा। ठीक है अभय जी, ठीक है अभय जी थोड़ा धीरज रखिए, आपने भी आपकी बात कंप्लीट की ना, आप उन्हें बोलने दीजिए प्लीज। ठीक है उज्जवल जी 30 सेकंड। पिता जी पहले मैं आश्वासन चाहूंगा कि वैसे इंटरप्ट नहीं करेंगे, नहीं तो अपनी बात रखने सब रखिए, इस तरह से चर्चा नहीं हो पाएगी, एक सिविक डिबेट। ठीक है उज्जवल जी, आप सिविक डिबेट करते हैं यहाँ पे, 30 सेकंड अगर वो आरोप सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, आप 30 सेकंड में अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखिए, ये हमारा मुद्दा नहीं है, मुद्दों पर ही आएंगे। ठीक है, चुम्बन की राजनीति पे आ चुकी है कांग्रेस पार्टी, मुद्दा विहीन पार्टी है कांग्रेस, अंतर्कलह से जूझ रही है। दीपक बैज जी, भूपेश बघेल जी, चरण दास, महंत जी, टीएस सिंहदेव जी, चारों आपस में लड़ रहे हैं। आकाश शर्मा कौन है हम नहीं जानते, हमने कभी सुना नहीं कि उन्होंने रायपुर दक्षिण में काम किया है। प्रत्याशी की बात कीजिए, आप फेक वीडियो चलाकर राजनीति को दिग्भ्रमित मत कीजिए, राष्ट्र की राजनीति कीजिए, कास्ट की राजनीति मत कीजिए, यहाँ पर झूठा वीडियो फैलाकर माहौल को खराब मत कीजिए। छत्तीसगढ़ शांति प्रिय प्रदेश है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। पिछले 5 सालों में बहुत अत्याचार किए आप लोगों ने, अब बस हो गया, अब विपक्ष की राजनीति कीजिए और अच्छी राजनीति कीजिए, यही मेरा आग्रह। ठीक है अभय जी, अब आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि सत्ता पक्ष का ये कहना है कि कांग्रेस जब मौका देती है तो ही हम चौका मारते हैं, जब आपके प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई नाराज कौन हुआ? आप ही के पार्टी के नेता, पोस्ट सबने देखे उनके, प्रमोद दुबे का पोस्ट हमने देखा, कन्हैया अग्रवाल का पोस्ट हमने देखा, जो कि साफ तौर पर उससे जाहिर हो रहा था कि पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं है। तो ऐसे में अगर इस तरह के पोस्टर बीजेपी लाती है तो फिर क्यों तकलीफ होती है, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता ही खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताते कि हम नाराज हैं, हमें तो कुछ नहीं वो करना है। देखिए निश्चित रूप से जो टिकट की उम्मीद करता है, टिकट का दावेदार होता है, जिस दिन टिकट डिक्लेयर होती है और उसे टिकट नहीं मिलता तो तकलीफ होती है, और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कहता है। उसने कोई पार्टी विरोधी बात नहीं की, अपने मन की बात की, और अंतरकला की जहां तक बात है, फिर कांग्रेस पार्टी दो मंत्री नहीं बना पा रहा है। आज सुनील सोनी को इनको लाना पड़ा, नए लोग को मौका नहीं दे पाए। आज मीनल चौबे के मन में, संजय श्रीवास्तव के मन में क्या है, वो तानाशाही और बोल नहीं पा रहे। हमारे यहाँ तो लोग लोकतंत्र है, मीनल चौबे जी को ला के बैठा के आपको प्रेस वार्ता करानी पड़ रही है। भाजपा का संचार विभाग प्रत्याशियों से प्रेस वार्ता करा रहा है, जनता को दिखा रहा है। ये सब कुछ पर्दे के पीछे का खेल जनता को दिखता है, वो अपनी अंतर्कलह को देखे। कांग्रेस चुनाव को एक युवा चेहरा देके, एक निष्पक्ष चेहरा देके और जनता के मुद्दों पर, हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं, और दक्षिण की जनता आपके पास आऊंगी। अभय जी, बाबूलाल जी, आपसे समझूंगी, ये ट्रेंड आज से नहीं चल रहा है, विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा, लोकसभा चुनाव में भी देखा, उपचुनाव में भी देख रहे हैं, और
ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भी इस तरह के पोस्टर हमें देखने को मिल सकते हैं। सर, ये ट्रेंड शुरू हो चुका है लगातार, या तो चरित्र को लेकर इन पोस्टर्स में बात होती है या अन्य मुद्दों को लेकर, जो असल मुद्दे हैं उस पर ये राजनेता बात क्यों नहीं करते, उस पर कौन बात करेगा, या महज पोस्टर पोस्टर खेल के ही खुश है, जनता भी ये पोस्टर्स देख कर ही खुश है? ये पोस्टर गेम जो है ये भी एक चुनावी रणनीति का हिस्सा बन चुका है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले शुचिता थी राजनीति के अंदर में, अब वो शुचिता समाप्त होने को जा रही है। जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो कतई अच्छे नहीं कहा जा सकता, उसको कभी भी किसी पार्टी के द्वारा भी किया जाए अच्छा नहीं कहा जा सकता। दूसरी चीज ये है कि ये खेल जो है ये बहुत खतरनाक होंगे आगे जा करके, इसकी जो है विवस्ता है वो देखने को अपने को मिलेगी, वो समय के साथ आपके सामने आएगी बातें। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है, और जो पार्टियां हैं आजकल तो यही स्थितियां पैदा हो गई हैं स्मिता जी, कि आप ये नहीं कह सकते कि किसने किया। बिल्कुल, कांग्रेस ने किया, एक झलक दिखेगी कि कांग्रेस कर रहा है या भाजपा कर रही है, लेकिन कोई बड़ी बात मत समझिए आप। आजकल जो पार्टियों की गति चल रही है, जो हिसाब किताब चल रहा है पार्टियों के अंदर में, कि भीतर भीतर खाने से ही कोई ऐसा कर दे, कोई बड़ी बात मत समझिए। जो आकाश का शर्मा को टिकट देने से नाराज है या सुनील सैनी के टिकट देने से नाराज है, वो अंदर के लोग भी इस तरह के प्रयास कर सकते हैं किसी के माध्यम से। बिल्कुल, ये जो तरीके होते हैं ये बिल्कुल गलत तरीके हैं, ये सच्चाई का रास्ता नहीं है। अगर आपको चुनाव का प्रचार करना है मुद्दे पर करिए, मुद्दे की बात पर करिए। ये क्या है, थोड़े टाइम के लिए तो जी सर, थोड़े टाइम के लिए हम कह सकते हैं कि हाँ फायदा हो सकता है, लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, और कहीं ना कहीं इसीलिए लोग राजनीति से दूर भी रहते हैं। अभय जी, आप विपक्ष है, मजबूत विपक्ष के तौर पर आप उभर कर आ रहे हैं, ये चुनाव आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे में चाहूंगी कि आप वीडियोस तो ऐसे सुनील सोनी जी का जैसे आपने वीडियो जारी किया, बंसल न्यूज ये चाहेगा कि आप दक्षिण के मुद्दों को लेकर ऐसे वीडियो बनाए तो उसका असर भी देखने को मिले। एक विपक्ष के तौर पर वहां पर जो कमियां है, वहां की लोगों की जो मांग है, आप उस पर पोस्टर बनाए, उस पर वीडियो जारी करें तो एक बड़ा असर दिख सकता है। निश्चित रूप से दक्षिण के मुद्दों पर वीडियो बनेंगे, पोस्टर बनेंगे, जनता के बीच जाएंगे। हमने तो भाजपा को आईना दिखाया है कि जिस तरह आप लोग वीडियो वीडियो खेलते हो, और दिन में आप जिनके प्रति नफरत रखते हो, रात को उनसे आप प्रेम करते हो। ये सब मुद्दे थोड़ी ना है सर, चूरन दबाई, ये चुनाव आती है जो वहाँ पर सड़कों की प्रॉब्लम है, नशा जो जिस तरह से बढ़ रहा है, उस पर पोस्टर लाइए ना, उन मुद्दों पर हम करते हैं। ठीक है, मैं बंसल न्यूज़ भी यही चाहेगा कि जो वहाँ के मुख्य मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दे हैं, दक्षिण की समस्याओं पर पोस्टर आएंगे। ठीक है, आएंगे आने वाले समय में। समस्याओं पर पोस्टर आएंगे, सुनील सोनी की निष्क्रियता पर पोस्टर आएंगे, युवाओं की आवाज के लिए पोस्टर आएंगे। जो आज डीएड बीएलएड के लाखों हमारे शिक्षक भाई धरने पर बैठे हैं उनके लिए पोस्टर आएंगे। जो हमारे आज कर्मचारी की मौत हुई है उस पर पोस्टर आएगा। पोस्टर की कोई कमी नहीं है, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। पर हमने तो एक आईना दिखाया है, ऐसे पोस्टर लाए जिससे फर्क पड़े, ऐसा प्रतीत हो कि यार कांग्रेस ने पोस्टर जारी किया है और उससे तहलका मच जाए, जहां सड़क खराब है वहां सड़क सुधर जाए। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे चाहूंगी मैं उज्जवल जी। बिल्कुल ऐसे ही पोस्टर आएंगे, अभी तहलका भाजपा में मचा है। 30 सेकंड का समय, पोस्टर जो आएगा जनता उसको देखेगी। ठीक है उज्जवल जी, 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अस्मिता जी, कांग्रेस अभी पिछले 1-2 महीने से वहाँ पे दक्षिण में मुद्दे खोज रही है। हकीकत ये है कि वहाँ मुद्दे ही नहीं है। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने 5,000 करोड़ के कार्य कराए हैं, 8 बार से जनता ने उनको विधायक ऐसे ही नहीं चुना है, और इस बार सांसद वो भी रिकॉर्ड वोटों से। और ये मेरी गारंटी आप लिख के ले लीजिए, सुनील सोनी जी रिकॉर्ड वोटों से रायपुर दक्षिण का चुनाव जीतेंगे, और आकाश शर्मा जी चुनाव के बाद शुभकामनाएं आप दोनों की पार्टियों को ही, और हम ये चाहेंगे कि अच्छे पोस्टर्स आए, मुद्दों पर पोस्टर्स आए, और ऐसे मुद्दे हो कि एक पोस्टर आने से विकास के काम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, कहते हैं राजनीति में सब जायज है, प्यार और वार में भी सब जायज है, इसी तरह राजनीति में भी सब जायज है, लेकिन किस पोस्टर्स के जरिए किसी की चरित्र पर इस तरह से उंगली उठाना ये तो जायज नहीं है। हम यही चाहेंगे जिस हिसाब से हमने आज चर्चा की कि ये जो राजनेता है दोनों ही पार्टियों के मुद्दों को लेकर पोस्टर जारी करें तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिलहाल खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन आगे देखिएगा अचानक कहाँ हुई 4 हाथियों की संदिग्ध मौत, कहाँ कोर्ट बना अखाड़ा,
और धनतेरस पर बाजारों में धन वर्षा हुई। प्राइम टाइम बुलेटिन में।